नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2020 में विज्ञापित पूरे पदों को नहीं भरने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और जयपुर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश भारद्वाज की याचिका पर दिया। याचिका में बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में सामान्य वर्ग के 532 और पूर्व सैनिकों के 150 पद विज्ञापित किए गए थे। विभाग की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी कर बीती 20 अप्रैल को चयन सूची जारी कर दी गई। याचिका में कहा गया कि विभाग ने चयन सूची में सामान्य वर्ग के सिर्फ 489 पदों को ही शामिल किया। इसी तरह पूर्व के सैनिकों के भी पूरे पद नहीं भरे गए। यदि सभी पदों को भरा जाता तो याचिकाकर्ता का भी चयन हो जाता। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए ट्रिपल टी यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड 20,55,010 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 32,23,56,187 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की एरोसोल 10 मीटर तक की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव के गाइडलाइंस बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वे भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। देश में कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पॉजिटिव केस के मामलों में लगातार 10 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्तों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 3 हफ्तों में 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं 7 राज्यों तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। अब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ ही दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। यह स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, अमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित करता है। कोरोना के कारण आसाराम का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। इस बीच इलाज के लिए हाईकोर्ट में दाखिल आसाराम की अर्जी पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ सुबह 9 बजे सुनवाई करेगी। आसाराम ने कोर्ट में अर्जी पेश कर आयुर्वेदिक इलाज की इजाजत मांगी है। आसाराम फिलहाल जोधपुर एम्स में भर्ती है, वहाँ उनका कोरोना का इलाज चल रहा है। पहले आसाराम की अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के कारण गुरुवार को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया था। कोरोना काल में गत दिनों से दालों की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। विशेषकर स्टॉकिस्टों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी दालों को सम्मिलित कर 5 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने वाले व्यापारियों के लिए स्टॉक के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विक्रेताओं को रोजाना स्टॉक का संधारण करना होगा और इसकी सूचना रसद विभाग को मेल के जरिए देनी होगी, जिसमें गोदाम, दुकान, दाल की सूचना होगी। अन्य स्थानों पर स्टॉक नहीं किया जा सकेगा। विभाग की ओर से जांच में अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले की जनता निश्चय ही कोरोना के खिलाफ जंग जीतने जा रही है। अभी थोड़ी कसर शेष है, यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जिला कोरोना मुक्त भी हो सकता है। बहरहाल सजगता, सतर्कता और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों से अजमेर में कोरोना संक्रमण का असर कुछ कम होता नजर आने लगा है। जिले में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। अजमेर में गुरुवार को 134 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जो पिछले एक माह में सबसे कम है। भीलवाड़ा में मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रतिवेदन भेजकर उद्योग व व्यापार को कोरोना से बचाने के लिए तुरंत आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की। चैंबर महासचिव आर के जैन ने बताया कि सरकार को इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम पुनः लागू करनी चाहिए। 31 मार्च 2021 को बकाया कार्यशील पूंजी का 10% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी बैंकों द्वारा बिना अतिरिक्त कोलैटरल गारंटी के उपलब्ध करवाएं। आरबीआई को एनपीए के लिए नियम बदलकर बैंक ऋण भुगतान में डिफॉल्ट की सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की जाए। बूंदी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बीच 26 मई को वाटर प्वाइंट वन्य जीव गणना की जाएगी। सब कुछ पहले जैसा ही होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वॉलंटियर्स की कोरोना जांच जरूरी कर दी गई है। इसके लिए वॉलंटियर्स की जांच उन्हें ही करानी होगी, रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। रिपोर्ट देने के बाद ही वह गणना में शामिल किया जाएगा।
भीलवाड़ा के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए 25 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाएंगी। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि यह घर घर सर्वे एवं दवाई वितरण को गति देने का काम करेंगे। नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से स्वयंसेवकों की तर्ज पर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति 31 जुलाई तक के लिए होगी। कंसल्टेंट की न्यूनतम योग्यता MBBS एवं राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन निर्धारित किया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज भी दे सकती है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। अगर कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो यह उसके इलाज के दौरान हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीजेस घोषित करने को कहा है, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इसे पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। पहले यह तारीख 30 जुलाई थी। कोरोना के संक्रमण के चलते सरकार ने बाकी टैक्स फाइल करने से संबंधित तारीखों को भी बढ़ाने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 119 के तहत इसमें बदलाव किया है। सवाई माधोपुर के खंडार विधायक अशोक बैरवा ने गुरुवार को CHC खंडार पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। विधायक अशोक बैरवा सुबह करीब 12 बजे CHC पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के आउटडोर, इंडोर, निशुल्क दवा केंद्र, निशुल्क जांच केंद्र, निशुल्क दवा स्टोर, कोविड वार्ड, कोविड वैक्सीन सेंटर सहित अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।